देखिए, सिंगल फेज सप्लाई की वेवफॉर्म बनाना तो बहुत ही आसान है, फ्री हैंडेड, उसको तो हर कोई बना लेता है। लेकिन थ्री फेज सप्लाई की जो वेवफॉर्म है उसको बनाना मुश्किल बात हो जाती है। उसमें बहुत ही कंफ्यूजिंग पैटर्न्स होते हैं और वो बहुत ही कंफ्यूज कर देते हैं। उसको लोग ट्रिक से बनाने की कोशिश करते हैं, अलग अलग ट्रिक से, कि कोई ट्राइंगल बना लिया, किसी ने कोई और तरीके का यूज़ कर लिया, लेकिन वो सब काम नहीं आता है, वो अच्छा भी नहीं होता है, आप उससे सीख नहीं पाते हैं चीज़ों को। यहाँ पर मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा थ्री फेज वेवफॉर्म को बनाने का, जिससे कि आप बहुत सारी नॉलेज तो गेन करेंगे ही, बजाय आप एक और लॉजिकल वे में उस वेवफॉर्म को बना पाएंगे, ताकि आप एंगल्स को रिलेट कर सकेंगे और आप थोरली, मतलब आप मुंह जबानी बता पाएंगे कि ये इस एंगल पर कौन सी वेवफॉर्म लीड कर रही है और कौन सी लैग कर रही है। इतना अच्छा तरीका मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ, तो इस वेवफॉर्म को आप देखते रहिए और मैं इसको आपके सामने बनाकर बताऊंगा। अभी हम शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं, ये वेवफॉर्म आप देख लीजिए, इस तरीके की वेवफॉर्म आपको बना के बताता हूँ। सबसे पहले आपको एक स्केल ले लेनी होगी। स्केल से आप दो परपेंडिकुलर लाइंस खींच लेंगे इस तरीके से। यहाँ पर मैंने दो लाइंस खींच ली। अब देखिए, यहाँ पर मुझे कुछ मार्क करना होगा, कुछ पॉइंट्स मार्क करने होंगे। उसका मीनिंग मैं आपको अभी बाद में बताऊंगा कि उसका मीनिंग क्या होता है। तो देखिए, आप 1 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर कुछ पॉइंट्स को मार्क कर लीजिए, कुछ इस तरीके से। यहाँ पर 1 1 सेंटीमीटर के कुछ पॉइंट्स को मार्क कर लीजिए, आपकी मर्जी है कि आप कितने मार्क करना चाहते हैं। मैंने यहाँ पर इतना मार्क कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, इनको मैं बताता हूँ कि ये पॉइंट्स मैंने क्यों मार्क करे हैं। देखिए, ये मैंने 30 30 डिग्री का फेज डिफरेंस यहाँ पर लिया है। इससे क्या है ना, बहुत आसान रहेगा आपको वेवफॉर्म बनाना और उसका लॉजिकल वे में मतलब समझना और एंगल्स को रिलेट करने में बहुत ही आसानी रहेगी। तो जैसे कि मैं यहाँ पर मार्क नहीं कर रहा हूँ, पहला एंगल जो है ये 30 डिग्री का होगा, दूसरा एंगल जो है ये 60 डिग्री का होगा, तीसरा जो है वो 90 डिग्री का होगा। मैं इस सिर्फ और सिर्फ इसको मार्क कर देता हूँ। यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल हुआ, यहाँ पर मैं पतले पेन से करता हूँ। उसके बाद ये वाला जो एंगल है ये आपका 120 का होगा, ये 150 का होगा, ये 180 का होगा, उसके बाद 210 का होगा, 240 का होगा, 270 का होगा, फिर 300 का होगा, 330 का होगा, और 360 का होगा, फिर 390 का होगा, 420 का होगा, 450 का होगा, उसके बाद 480 का होगा, और 510 का होगा, और 540 का होगा। तो हम यहाँ पर 540 तक ही लेते हैं। इतना आप बना लीजिए। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना, वैसे यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मैं आपको बहुत ही आसान वे में बता दूंगा, तो आपको एंड तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आपको क्या करना है, देखिए, हमको पता है कि इसके अंदर तीन वाइंडिंग लगी होती है, एक होती है आर, एक होती है वाई, और एक होती है बी। ठीक है, ये तीन वाइंडिंग होती है, ये तीनों ही वाइंडिंग 120 डिग्री के फेज डिफरेंस पर लगी होती है, मतलब 120 डिग्री का एंगल होता है इन तीनों ही वाइंडिंग के बीच में। जैसा कि हमने यहाँ पर पढ़ा था कि इस तरीके की कुछ वाइंडिंग्स होती हैं, ये जो फेजर डायग्राम से भी हम देख सकते हैं कि इनके बीच में 120 डिग्री 120 डिग्री के एंगल होते हैं, तो उन्हीं को हम यहाँ पर भी शो करना है इस डायग्राम के अंदर। तो देखिए कैसे शो करते हैं। और जो एक वाइंडिंग, जो देखिए सिंगल फेज बनती है हमारी कुछ इस तरीके से, इस तरीके से, उसके अंदर क्या होता है, जो पीक आता है वो आता है 90 डिग्री पर, जो लोअर पॉइंट आता है, जो मिनिमम पॉइंट आता है वो आता है 180 पर, उसके बाद मतलब पाई पर। तो पाई की जो मल्टीपल्स होंगे उसके अंदर, तो मिनिमम पॉइंट आएगा और मैक्सिमम पॉइंट आएगा पाई बाई टू के मल्टीपल्स पर। तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से मैं बनाता हूँ, तो पाई बाई टू पर मेरा यहाँ पर मैक्सिमम आना चाहिए और ज़ीरो से मैं स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पर आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर मेरा मैक्सिमम ये हो गया, ये मेरा मैक्सिमम हो गया। अब मुझे वापस 180 पर ज़ीरो करना है, तो मैं यहाँ पर ज़ीरो कैसे कर सकता हूँ, देखिए मैं थोड़ा क्लोजली आपको दिखाता हूँ, आप इसको ऐसे समझिए। अब 180 पर
180 से मुझे वापस से इसको ज़ीरो करना है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ हाथ से बना रहा हूँ, कोई मैं इक्विपमेंट यूज़ नहीं कर रहा हूँ। ये आपको भी आसानी रहेगी, आप कहीं पर भी बना सकते हैं और कहीं पर भी रिलेट कर सकते हैं, आपके माइंड में पिक्चर बन जाएगी एक। उसके बाद मेरा जो वापस से यहाँ से 90 डिग्री अगर मैं लोकेट करूँ तो ये 270 पर होगा, तो मेरा वापस से मैक्सिमम आएगा, ये मेरा फिर से मैक्सिमम आया लेकिन ये नेगेटिव डायरेक्शन में आया इस बार, है ये मैक्सिमम। उसके बाद फिर से मिनिमम आएगा, वो आएगा मेरा 360 पर, देखिए यहाँ पर मेरा मैक्सिमम था। उसके बाद 360 पर फिर से मिनिमम आया, उसके बाद 450 पर फिर से मैक्सिमम आया, उसके बाद 540 पर मिनिमम आया। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम बनाएंगे दूसरी बाइंडिंग। दूसरी बाइंडिंग के अंदर क्या प्रॉब्लम है, देखिए कि पहली बाइंडिंग आपने शुरू करी थी ज़ीरो से, अब आप दूसरी बाइंडिंग शुरू करेंगे 120 डिग्री से, तो यहाँ पर जो इसका मैक्सिमम है वो है 90 डिग्री पर। यहाँ से अगर मैं 120 डिग्री मेजर करूँ तो देखिए, देखिए पहली बाइंडिंग शुरू हुई ज़ीरो से, दूसरी शुरू होनी चाहिए 120 डिग्री से। 120 डिग्री हम आसानी से लोकेट कर सकते हैं इस वाले डायग्राम में, कि 90 के बाद तो 120 डिग्री था, फिर 150 थे, तो यहाँ पर मेरा इसका इनिशियल पॉइंट होना चाहिए। तो यहाँ से शुरू करूँगा और 90, इसके 90 डिग्री पर, इसका 90 डिग्री मतलब ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री, यहाँ पर इसका पीक होना चाहिए। तो मैं 120 डिग्री ये रहा, यहाँ से इसका पीक होगा यहाँ पर, ये इसका पीक पॉइंट होगा। फिर से यहाँ पर ये यहाँ से फिर से 90 डिग्री के बाद इसका लोएस्ट पॉइंट आ जाएगा, और वो मैंने ऐसे लोकेट कर लिया। उसके बाद आप देखिएगा कि इसका फिर से पीक पॉइंट आएगा यहाँ पर, ये मेरा पीक पॉइंट आ गया यहाँ पर। उसके बाद लोएस्ट पॉइंट आएगा यहाँ पर, ये मेरा मिनिमम पॉइंट हो गया। उसके बाद फिर से यहाँ पर पीक पॉइंट आएगा, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखिए इसको हम पीछे की तरफ भी एलोंगेट करेंगे, तो देखिए पीछे की तरफ आप देखिए, यहाँ पर आपका 30, 60 और 90, यहाँ पर आपका पीक पॉइंट आना चाहिए। तो इसको आप इस तरीके से खींच लीजिएगा, और यहाँ के बाद ये वापस से कम होना स्टार्ट हो जाएगी, इसका मतलब आप इसको यहाँ पर छोड़ दीजिए, इस तरीके से करके आप इसको छोड़ सकते हैं। अब देखिए ये हमारी दूसरी वाइंडिंग भी बन चुकी है, अब तीसरी वाइंडिंग की हम बात करते हैं। तीसरी वाइंडिंग बनाने के लिए फिर से 120 डिग्री का फेज डिफरेंस होना चाहिए, तो यहाँ पर ज़ीरो से अगर हम स्टार्ट करें तो 120 डिग्री तो यहाँ पर हो गया, उसके बाद 120 डिग्री की बात करूँगा तो वो 240 डिग्री हो जाएगा, और 240 डिग्री ये रहा, यहाँ पर हम आसानी से, बहुत ही आसानी से लोकेट कर सकते हैं 240 डिग्री को। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और इसके 90 डिग्री पर इसका पीक पॉइंट आएगा, तो ये 30, ये 60 और ये 90, तो यहाँ पर इसका पीक पॉइंट आना चाहिए। ये देखिए ऐसे इसका पीक पॉइंट आ गया, उसके बाद यहाँ पर इसका फिर से लोएस्ट पॉइंट आएगा, मतलब उसके 90 डिग्री के बाद। ये आप जैसे जैसे आप बनाएंगे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, और ये प्रैक्टिस करने से ही आपकी और मजबूत होती जाएगी बातें। इसके 90 डिग्री के बाद फिर से इसका पीक पॉइंट आएगा, तो ये 30, ये 60 और ये 90, यहाँ पर पीक पॉइंट आया, और इसके जस्ट बाद ये 30, ये 60 और यहाँ पर कुछ 90 होगा, उसके बाद फिर से इसका कम हो जाएगा ये, ठीक है यहाँ तक की कोई प्रॉब्लम। अब इसको पीछे की तरफ एलोंगेट करना है, पीछे की तरफ एलोंगेट करने का मेथड सीखिए आप, कि 30 डिग्री और 90, मतलब 30, 60 और 90, तो उसके मुझे 90 पर तो इसका पीक बनाना है, तो मैंने यहाँ पर ये इसका बना लिया पीक पॉइंट, उसके बाद 30, 60 और 90, यहाँ पर बनाऊंगा मैं इसका मिनिमम पॉइंट, ये मैंने इसका मिनिमम पॉइंट बना लिया। फिर से यहाँ पर 30 और ये 60, इसका मतलब होगा कि मेरा यहाँ पर ये तो पीक नहीं होगा, लेकिन यहाँ इसके बाद पीक आएगा, तो मैं ये बना दिया, अब उसका आगे मेरे पीक पॉइंट भी आ जाएगा। यहाँ तक आपको आपको बनाना होगा इस तरीके से। अब यहाँ पर आप इसको मेंशन कर दीजिए, जैसे कि मैंने पिंक कलर से बनाया था आर वाला, उसके बाद ऑरेंज कलर से बनाया था वाई, ग्रीन कलर से था हमारा बी।
देखिए आप यहाँ पर अगर आपसे कोई पूछे कि भैया 180 डिग्री पर कौन सा फेज कौन से लीड कर रहा है, कौन लीड कर रहा है, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि सर वाई लीड कर रहा है। आपका पिक्चर बन जाएगी एक माइंड की। भैया आपसे कोई पूछ ले कि मान लीजिए, बता दीजिए आप 330 डिग्री पर कौन लीड कर रहा है, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि सर पी लीड कर रहा है। इन सब में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको बहुत ही सिंपल वे बताया कि सबसे पहले आप सभी को भूल जाइए, कोई आपको ट्रायंगल नहीं बनाना है, कोई आपको लाइंस नहीं खींचनी है, कोई पॉइंट्स लोकेट नहीं करने हैं, बहुत ही लॉजिकल वे में आपको काम करना है। सबसे पहले आप आर बनाएंगे, आर बनाने के लिए आपको 90 पर पीक ले जाना है, 180 पर जीरो कर देना है, मतलब उस एक एक जो वेवफॉर्म है वो बना लेनी है। उसके बाद उसका नेगेटिव पार्ट बनाने के लिए 270 पर आप उसको इस तरीके से पीक पर ले जाएंगे, उसके बाद 360 पर जीरो पर ले आएंगे, फिर से आप इस तरीके से ये बना देंगे। इसके बाद 120 डिग्री का फेज डिफरेंस देंगे, मतलब यहाँ से 120 डिग्री एंगल आप देखेंगे तो ये होगा 120 डिग्री। यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे तो फिर से इसके 90 डिग्री पर, इसके बाद 90 डिग्री गिनिए, मतलब 30, 60 और 90, इसके यहाँ पर पीक आएगा, वो पीक पॉइंट ये हो गया मेरा। उसके 90 डिग्री के बाद मेरा लोएस्ट पॉइंट आएगा, मतलब ये। और ये आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ जाएगा कि जैसे हर 90, जैसे 90 के बाद वाला पॉइंट 180 के वन बाद वाला पॉइंट पीक पॉइंट होगा, 270 के बाद वाला पॉइंट लोएस्ट पॉइंट होगा, 360 के बाद वाला पॉइंट पीक पॉइंट होगा, 450 के बाद वाला पॉइंट लोएस्ट पॉइंट होगा। तो आपकी पिक्चर आसानी से बन जाएगी और आप इस तरीके की वेवफॉर्म बना पाएंगे। थर्ड बात, आप इसको पीछे एलोंगेट करिए 30, 60 और 90 डिग्री के हिसाब से, फिर आप इसको इस तरीके से एलोंगेट कर दीजिए। फिर आप देखिए कि अगला जो फेज डिफरेंस होना चाहिए वो फिर से 120 या तो आप पीछे से बनाना स्टार्ट करें। इस वाले को जो है वो आप या तो यहाँ से 120 डिग्री पीछे लेकर के बना लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसके अंदर, या फिर आप यहाँ से 240 डिग्री आगे चले जाइए, इसका मतलब होगा कि ये 270 के जस्ट पास वाला, और आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो इसके 90 डिग्री पर, इसके बाद जो भी 90 डिग्री का डिफरेंस होगा, जैसे 30, 60 और 90, यहाँ पर आप इसको बनाइए पीक पॉइंट, फिर 180 पर इसके बाद 90 डिग्री पर लोएस्ट पॉइंट, फिर आपका पीक पॉइंट, फिर लोएस्ट पॉइंट। उसी तरीके से आप इसको पीछे भी एलोंगेट कर सकते हैं और इस तरीके से आप थ्री फेज सप्लाई सिस्टम की वेव फॉर्म को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं।